गाइस सारे बड़े बड़े यूट्यूबर घमंडी क्यों होते हैं? वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही कुछ कहना। तो गाइस आपने कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जैसे कि अज्जू भाई, अमित भाई या ज्ञान भाई, काश वो अपनी एक वीडियो में मेरे चैनल को प्रमोट कर देते तो मैं भी यूट्यूबर बन जाता और ये एक लाइन बोलने से उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। और गाइस सब लोग सच बताना, क्या आपने कभी किसी यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो और उस यूट्यूबर ने प्रमोट तो छोड़ो आपका रिप्लाई तक नहीं किया होगा? तो गाइस आप उसे घमंडी यूट्यूबर बोलने लगते हो। लेकिन भाई एक बात तुम खुद ही सोच के देखो, जिस बंदे के लाखों या करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, उसको एक दिन में कितने बंदे बोलते होंगे प्रमोशन के लिए? और गाइस आप अगर उनकी जगह होते तो आप क्या करते, प्रमोशन करते या नहीं? आप में से मैक्सिमम बंदे सोच रहे होंगे भाई भले ही एक दिन में हजारों का प्रमोशन ना कर सके, लेकिन किसी एक जरूरतमंद की तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर तो वो भी नहीं करते, इसका मतलब वो बहुत बुरे घमंडी यूट्यूबर्स हैं। तो गाइस ये आपकी गलत फहमी है, वो यूट्यूबर घमंडी नहीं है बल्कि उसकी एक मजबूरी होती है जिस वजह से वो किसी का भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि किसी को सपोर्ट करने से उनके साथ ही स्कैम हो सकता है और हेट भी मिलती है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जल्दी से जाके पिन कमेंट वाली वीडियो देखो, सब समझ जाओगे।